नमस्कार साथियों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के बारे में। ठीक है, ये कक्षा 7वीं की है, याद रखना। इसमें हम लोग अभी तक 7 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। 7वां चैप्टर था आपका हमारे आसपास के बाजार। आज बात करेंगे हम लोग 8वें चैप्टर के बारे में, ये है आपका बाजार में एक कमीज के नाम से। ठीक है, याद रखिए। फिर से मैं वही कहूंगा कि आप लोगों को इसको एक कहानी की तरह सुनना है, इन चैप्टरों को जो भी पढ़ना है या सुनना है। ठीक है, जो 8वीं तक की आपकी एनसीईआरटी है, इन्हें एक कहानी की तरह पढ़िए, आराम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इनमें ऐसा कोई भी शब्द कठिन नहीं है जिसे समझाना पड़े, तो आपको एक कहानी की तरह देखिए उसे या पढ़िए। ठीक है, यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, ये हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे इस अध्याय। ठीक है, कुरनूल में कपास उगाने वाले एक किसान की कहानी है। ठीक है, सपना जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधे पर आए डोरे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए सपना रुई चुनने में व्यस्त है। डोड़े जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्रित हो जाने के बाद सपना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में नाल ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय सपना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये कर्ज लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने सपना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने सपना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। आप लोग, कैसे बोल रहा हूँ, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपने ये प्रक्रिया देखी होगी कि जब आपकी फसल कटती है तब आप किसी सेठ को, ऐसे व्यापारी को चुन लेते हैं जो आपके बोते समय बीज के खाद के लिए पैसे उधार दे देता है, और जब आपकी फसल पककर तैयार होती है तब उसमें से वो काट लेता है। लेकिन उसी को वो फसल देनी पड़ती है, आप किसी और को नहीं बेच सकते। आपका जो भी वादा रहता है उन आप दोनों के बीच करार रहता है। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है। प्रयास छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता था। व्यापारी के परिचय में उसके दो आदमी रुई के बोरे तौल रहे थे। 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 रुपये की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 काट लिए, सपना को 3000 रुपये दे दिए। यह रुई का पेड़। कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है, जिनिंग मिले कपास खरीद लेता है। जिनिंग मिले कपास से बीज हटाती है और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती है। सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। सूत काटने की मिलें से धागा बनाता है और सूत काटने की मिलें व्यापारी को धागा ये बेच देती हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। सपना केवल 3000 रुपये मिलते हैं सपना को इसमें। व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। सपना, इस रुई को उगाने में मैंने 4-5 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है, इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद है। व्यापारी, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतना भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जरूर जाकर पता लगा। सपना नाराज ना हो,
मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाए कि कुछ महीने का गुजारा चल सके। यद्यपि सपना चाहती है कि कपास कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है, वो किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वन अन्य आवश्यकताओं के लिए जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्षा में ऐसा भी समय आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता तो उनकी कोई आय भी नहीं होती, उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी सपना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज्यादा है जो वह मजदूर करके कमा लेती है। आपको वैसे पता होगा कि हम जब किसी बिचौलिए से इस तरह का समझौता करते हैं कि हमारे फसल बोते समय वो उधार दे देता है, या कभी शादी घर में फंक्शन हुआ, कोई कार्यक्रम हुआ कार्यक्रम, तो उसमें उधार ले लेते हैं और जब फसल तैयार होती है तो उसमें कटवा देते हैं। तो याद रख देखा होगा आपने, ध्यान दिया होगा कि हमारी फसल के कम दाम देता है वो, अगर हम दूसरी जगह उसे बेचें तो ज़्यादा दाम में देते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा बिचौलिए से समझौता होता है या वादा होता है जो भी रहता है तो वो सस्ते में लेता है और बाकी के व्यापारी उसे महंगे में खरीदते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं होता है, क्योंकि हमें जब जरूरत पड़ती है तो वही व्यापारी काम आते हैं। इरोड का कपड़ा बाजार देखते हैं। तमिलनाडु में सप्ताह में दो बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। वे व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत कर खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना चाहिए। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। बाजार में एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों से इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिया जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों में सूत खरीद कर लाते हैं। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले जाते हैं और बुनाई करके रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावर लूम बिजली चलित करगे इस तरह करगे को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन कर्मों में पर कई घंटे काम करता है। बुनाई की अधिकतर इकाइयों में 2 से 8 करगे तक होते हैं जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियां, तौलिए, स्वेटरिंग, औरतों की पोशाक के कपड़े और चादरें इन कर्मों पर बनाई जाती हैं। बुनकर तैयार किए हुए कपड़ों को शहर में व्यापारियों के पास ले जाते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहरी में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूद दिया गया था, बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टता 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों को बहुत
वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल 20,000 रुपये है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है और इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा ये महीने में लगभग 3,500 रुपये ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। बुनकर सहकारी संस्थाएं, बुनकर सहकारी संस्थाएं। हमने देखा है कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था वे लोग हैं जिनके हित समान है, इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकरों एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियों सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारियों से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकर को कपड़ा का उचित मूल्य प्राप्त होता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है, जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इस तरह सरकार करगा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर को ऑफ टैक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आप अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होंगी। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना है। एरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को बेचता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्रीज का उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका, यूरोप के ऐसे व्यापारी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं, साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस व्यापार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ को बढ़ाते ही और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 40-70 कामगार हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया। इसका आशय है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, उसे जाने को कह सकता है। यही आपका अस्थायी है, ठीक। जब आवश्यकता हुई तब रख लेते हैं, वो जब आवश्यकता नहीं हुई तब निकाल दिया जाता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, लगभग 3,000 प्रतिमाह है। स्त्रियों को सहायता के रूप में धागे काटने, बटन टांकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है।
इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। मजदूरों का भुगतान दर्जी 3,000 रुपये प्रतिमाह, स्त्री करना प्रेस 1.50% प्रति पीस, जांच करना 2,000 प्रति माह, धागे काटना या बटन लगाना 1,500 प्रति माह। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज जो अपने इंडिया से ले जा रहे हैं उसी को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है उसका देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई। इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी कि 1,800 रुपये में बेची जाएगी। कितने 1,800 रुपये में बेची जाएगी। कमीज के व्यापारी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज 300 रुपये में खरीदी प्रति कमीज के हिसाब से। फिर उसने संचार यानी कि उसने विज्ञापन के लिए 400 रुपये खर्च किए। इसके बाद लगभग प्रति कमीज स्टोर में रखने यानी कि भंडार करने में 200 रुपये रखने प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति ने वो कमीज में 900 लागत की पड़ी उसे। जब वो उसे 1,800 में बेचता है तो ये कमीज पर उसे 900 रुपये का मुनाफा हो जाता है। वह जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ हुआ। क्रय कहता है 300 रुपये का, उसे भंडारण क्षमता लगती है 200, विज्ञापन का 400, तो 900 हो गया। और वो 1,800 की बेचता है तो उसे 900 लाभ हुआ। वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च 25 रुपये प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? ये हो गया 150, तो 300 रुपये प्रति कमीज से उसने बेची तो 150 से लाभ होगा, ठीक है। वही देखिए अमेरिका में, देखिए 900 रुपये उसे लाभ हुआ। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है आखिर? बाजार की श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट की खरीद से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन से लोग हैं, जो लोग थे जो खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ है या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग है? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इस प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान और एरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारी की स्थिति बीच की है, बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या सपना हो। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो अपने आपको दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे आप? एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते हैं या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है जो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग भी प्रयास सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये लोग जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत जमीन है, गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऋण के लिए, जैसा छोटी किसान सपना के मामले में हुआ है,
कच्चा माल प्राप्त करने और अपने सामान बेचने के लिए जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ हुआ, और फिर यह नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए विविध रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसी एक सहकारी संस्था प्रारंभ की है। तो इससे संबंधित आपका ये कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए, देख लेना, ठीक है। स्वप्ना रोई बैठती है, ग्राहक सुपरमार्केट में कमीजों को खरीदता है, व्यापारी जिन्हें मिलों की क्रोई बेचता है, गारमेंट निर्यातक कमीजों बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीदता है, सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं, वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवसायी की को कमीज बेचता है, सूत काटने वाले मिले रुई खरीदते हैं और सूत के व्यापारी को सूत बेचते हैं, बुनकर कपड़ा तैयार कर के लाते हैं और जिनिंग में मिली रुई की साफ करते हैं, उनके गट्ठर बनाते हैं। ये आपको इसमें भरना है, ठीक है। क्रम से नौ है ये, तो ने यहां सब करना शुरू करना है। यहां से सपना से व्यापारी को रुई बेचती है, फिर व्यापारी आगे क्या करता है, उसे व्यापारी ये जिनिंग मिलों को रुई बेचता है, ठीक है। इस तरह क्रम में लगा लेना है। ये शब्द संकलन है जो हम लोगों ने कुछ देखे हैं, शब्द महत्वपूर्ण। जिनिंग मिल वह फैक्ट्री जहां रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं, यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। निर्यातक वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है। मुनाफा जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटाने के बाद बचने वाली राशि, यदि खर्च आमदनी से ज्यादा हो तो उसे घाटा कहते हैं, और अगर खर्च की गई जो राशि है उससे ज्यादा हो तो हम लोग लाभ कहते हैं, ठीक। तो ये था आपका आठवां चैप्टर, बाजार में एक कमीज, ठीक है। किस तरह से हम लोगों ने बाजार में प्रक्रिया देखी कि उत्पादक को कितना मिलता है, फिर जो बाजार में ले जाता है उसे कितना मिलता है, जो अमेरिका में ले जा रहा है वहां बेच रहा है उसे सबसे ज्यादा फायदा है, ठीक है। इस तरह से सभी हम लोगों ने चरण देख लिए। नौवीं चैप्टर बचा हुआ है, लास्ट चैप्टर हमारा कक्षा सातवीं का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग दो का लास्ट चैप्टर नौवा। इसमें पढ़ेंगे हम लोग समानता के लिए संघर्ष। क्या पढ़ेंगे? समानता के लिए संघर्ष।